दोस्तों, आपने कभी ना कभी ट्रेन में सफर जरूर किया होगा। फाटक से गुजरते हुए पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी भी देखी होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन आखिर कौन सी है और ये कितनी लंबी हो सकती है? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दुनिया की 5 सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेनें। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस करें, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, जिससे हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन्स, जिसमें नंबर 1 पर है दी घन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में चलती है। यह पैसेंजर ट्रेन एकमात्र ट्रेन है जो ऑस्ट्रेलिया में डार्विन और एडिलेड के बीच चलती है। ये ट्रेन लगभग 54 घंटे में 1851 मील की दूरी तय करती है। पूरी ट्रेन औसतन 26 बोगियों को खींचती है, जो लगभग 3934 फीट लंबी होती है। इस ट्रेन का नाम अफगानिस्तान के ऊंट ड्राइवरों के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, नंबर 2 पर है टोकेंडो शिंकानसेन N700, जो कि जापान में चलती है। दोस्तों, यह ट्रेन टोकेंडो शिंकानसेन लाइन पर चलती है, जो JR सेंट्रल द्वारा संचालित एक हाई स्पीड रेलवे लाइन है। यह मार्ग आधिकारिक तौर पर 1964 में खोला गया था और यह टोक्यो से ओसाका तक संचालित होता है। इस हाई स्पीड ट्रेन में 16 कार ट्रेन सेट है। इस ट्रेन की कुल लंबाई लगभग 1325 फीट है। दोस्तों, नंबर 3 पर है SJ क्लास RC, जो स्वीडन में चलती है। इन लोकोमोटिव को पहली बार स्वीडन में 1967 में R लोकोमोटिव को बदलने के लिए पेश किया गया था, जो 1950 के दशक के दौरान इस्तेमाल किए गए थे। सबसे लंबी RC ट्रेन औसतन 17 डिब्बों को खींच सकती है, लेकिन फरवरी 2012 में इस लोकोमोटिव ने 22 बोगियों को खींचा और यह 17038 फीट से अधिक था। दोस्तों, नंबर 4 पर है रिंगलिंग बोर्स सर्कस ट्रेन्स, जो US में चलती है। ऑटो ट्रेन के अलावा जो फ्लोरिडा, वर्जीनिया, सैनफोर्ड और लाटर्न के बीच संचालित होती है, और इसमें 50 से अधिक कारें होती है। ये दुनिया की सबसे लंबी निजी स्वामित्व वाली ट्रेनें हैं। दोस्तों, नंबर 5 पर है सापसन ट्रेन, जो रूस में चलती है। सापसन ट्रेन रूसी गेज हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, जो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच संचालित होती है। इस इलेक्ट्रिक ट्रेन को दिसंबर 2009 में 155 मील प्रति घंटे की उच्च गति से लॉन्च किया गया था और यह लगभग 1640 फीट लंबी है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 5 सबसे लंबी ट्रेन्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल फैक्टिव वर्ड को सब्सक्राइब करें।